मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर बसाई गई आवासीय योजना नया मुरादाबाद योजना के मुख्य मार्गों के टूटा होने के चलते प्राधिकरण उपाध्यक्ष निर्देश पर अब मुख्य मार्गों को दुरुस्त कराए जाने पर रणनीति तैयार की गई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर बसाई गई आवासीय योजना नया मुरादाबाद के मुख्य मार्गों के टूटा होने के चलते प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर अब मुख्य मार्गों को दुरुस्त कराए जाने पर रणनीति तैयार करते हुए मुख्य मार्गों को दुरुस्त कराया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी कहते हैं कि नया मुरादाबाद की आवास योजना के सेक्टर 16 को जाने वाले मार्ग और सेक्टर 13 और सेक्टर 5 के मुख्य मार्ग को दुरुस्त कराया जाना है, जिस पर कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। अभी सड़कों की सफाई चल रही है, सफाई के तुरंत बाद ही उस पर रोड चलाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना नया मुरादाबाद योजना के स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि मुख्य मार्गों को दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि इन मार्गों पर राहगीर भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं लगातार 3 सड़कों को सही कराने की मांग की जा रही है, जिसका प्रसारण लोकल लाइव चैनल पर प्रसारित किया गया था। चैनल पर चली खबर का असर भी देखने को मिला। प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशों पर अब मुख्य मार्गों की सफाई का काम किया जा रहा है और जल्द ही मुख्य मार्गों एवं मुख्य चौराहों को भी सुंदर बनाने पर काम किया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी की अगर माने तो बरसात से पहले नया मुरादाबाद आवास योजना के सभी मुख्य मार्गों को दुरुस्त करा दिया जाएगा, तो वहीं गोल चक्कर पर लगाई गई हार्ट मास्क लाइट को भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नया मुरादाबाद की योजना को मुरादाबाद की सबसे खूबसूरत आवास योजना बनाने पर पहल की जा रही है, जिसके चलते इस योजना में धीरे धीरे लोग अब अपना आशियाना बनाने पर जोर दे रहे हैं।